साथियों, स्वच्छ भारत की सफलता से आप सभी परिचित हैं और आपने उसमें सहयोग भी किया है, लेकिन ये तो निरंतर चलने वाला जन आंदोलन है। कहीं पर भी कोई सफाई की अच्छी चीज आती है, अब जैसे मैंने अभी एक रील देखा, कोई टाइगर पानी पीने जा रहा है और उसमें प्लास्टिक के बोतल देखता है, तो टाइगर मुंह से प्लास्टिक का बोतल उठाता है और कहीं पर जगह पर छोड़ने के लिए चला जा रहा है। अब इसका मतलब मोदी किस किस से बात पहुंचाता है, समझ गया ना? अब उसके माध्यम से आप भी पहुंचा सकते हैं, और इसलिए आप इस विषय पर भी लगातार कुछ ना कुछ जरूर करते रहिए। एक अहम विषय भी मैं आपसे स्पर्श करना चाहता हूं दोस्तों। ये छोटी छोटी चीजें जो मेरे मन को छूती है, मेरा मन करता है कि क्रिएटिव माइंड के लोग हैं तो शायद मैं मन खोल करके बातें भी कर सकता हूं, मैं भाषण नहीं कर रहा। मुझे जैसे मेंटल हेल्थ, ये बहुत ही छूने वाला विषय है, और वैसे तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काफी कंटेंट हंसी मजाक से जुड़ा होता है, लेकिन कई अन्य गंभीर विषय भी होते हैं। मैं देखता हूं मेंटल हेल्थ को लेकर, बहुत बधाई हो आपको, बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो। मैं नहीं कह रहा हूं नहीं बनाते हैं, मैंने बोला ही नहीं है जी, मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं। मुझे मेरे देश के टैलेंट पे भरोसा है, मुझे मेरे देश के लोगों की संवेदनशीलता मुझसे जरा भी कम नहीं है। लेकिन ये ऐसे और जो लोग इस प्रकार से सोचते हैं वो ज्यादा क्रिएटिव है, ऐसा मैं कह सकता हूं, क्योंकि मेंटल हेल्थ को लेकर काफी क्रिएटर्स बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं, लेकिन अभी हमें इस पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है। और हो सके तो लोकल लैंग्वेज, गांव के अंदर एक परिवार में अगर ऐसा बच्चा है, उनके लिए क्या हो सकता है? बड़े शहर में फाइव स्टार दुनिया में तो होगा, क्योंकि उनकी जिंदगी में ये बहुत जरूरी है जी। उसी प्रकार से एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है बच्चों में स्ट्रेस का। हमें पता नहीं होता है, पहले तो हमारा जॉइंट फैमिली होता था और बच्चे कभी दादी संभाल लेती थी, कभी दादा संभाल लेते थे, कभी नाना, कभी नाना, कभी चाचा, चाची, भाभी, भाई। अब माइक्रो फैमिली है, दोनों लोग चले गए हैं, आया के पास बैठा है, पता नहीं उसको स्ट्रेस का क्या स्थिति है, कुछ पता नहीं है। अब जैसे एग्जाम का समय होता है, स्टूडेंट्स में रिजल्ट को लेकर के चिंता बहुत बढ़ जाती है, सांस फूलने लग जाती है रिजल्ट आने पर। फोन पर दोस्तों तो कह रहे जैसे रिजल्ट अभी आ गया हो, लेकिन धीरे 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 पारा गर्म हो जाता है। मैंने कई 8-12-15 साल पहले एक छोटी सी फिल्म देखी थी, उस जमाने में तो उतना वीडियो वीडियो कोई पॉपुलर नहीं था, लेकिन मेरी ये रुचि है जानना, समझना, सीखना। और उसमें ये बताया गया था कि कुछ भी गलत निर्णय लेने से पहले बेहतर जीवन जीना ज्यादा आसान है और कितना जीवन सुंदर बनता है। और उस बच्चे को एग्जाम देनी होती थी, उसको लगता है सब मैं नहीं कर पाऊंगा तो आत्महत्या करने के लिए सोचता है। शायद उसके जो क्रिएटर होंगे उसको याद आ जाएगा, मुझे पूरा याद नहीं क्योंकि मैंने 15-16 साल पहले इसको, 20 साल हो गए होंगे, तो उसको मन करता है कि मैं रस्से से टांग करके जान दे दूं, तो रस्सा खरीदने जाता है। तो वो उसे पूछता है कितने फीट चाहिए लंबा, तो सोचता है फीट क्या होता है, तो जाके पढ़ाई करता है, फीट ऐसे होता है। फिर वो कहता है उसको वो हुक चाहिए, तो लोहे का चाहिए, कैसा चाहिए, उसकी पढ़ाई का। फिर उसके ध्यान में आता है यार मरने से ज्यादा तो पढ़ना सरल है। बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है उसने, हार्डली 7-8 मिनट की होगी, लेकिन जब मैंने उसको देखा और वो ये जो आत्महत्या करने का मूड बन जाता है बच्चों का,
छोटी सी चीज है लेकिन उसके जिंदगी को एक नई राह दिखा देती है। अब आप भी जानते हैं मैं परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम करता हूं। आपको लगता है कई लोगों मजाक उड़ेगा क्या यार के प्राइम मिनिस्टर है क्या बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा करता रहता है फालतू समय का। मैं जानता हूं दोस्तों मैं कोई सरकारी सर्कुलर नीचे निकाल करके बच्चों की जिंदगी नहीं बना सकता, मुझे उनके साथ जुड़ना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा, जी जान से जुटना पड़ेगा। और उस समय यानी बारिश के बाद अगर मैं खेत में काम करूं तो काम का है, परीक्षा के दिनों में उसकी बड़ी ताकत होती है। और इसलिए मैं हर साल रेगुलरली ये कार्यक्रम करता हूं क्योंकि मेरे मन में यही होता है कि इन बच्चों के साथ मैं कुछ बातें करूं, खुल करके बातें करूं, हो सकता है किसी को एक आध चीज काम आ जाए, उनके मन को छू जाए, उनका हाथ पकड़े, उनकी हैंड होल्डिंग करे, उनके माँ बाप को लगे, टीचर को लगे। साथियों ये सारे काम मैं तो रील बनाने के लिए समय नहीं निकाल सकता तो मैं ऐसे काम कर लेता हूं, लेकिन आप तो वो भी कर सकते हैं जी। क्या हम ऐसा कंटेंट और ज्यादा बना सकते हैं जो यूथ में ड्रग्स के नेगेटिव इफेक्ट्स को लेकर अवेयरनेस लाए? हम बिल्कुल दावे से क्रिएटिव वे में समझा सकते हैं कि ड्रग्स इज नॉट अ कूल फॉर यूथ। मरना क्या है यार, कूल हॉस्टल में बैठे हैं ऐ कूल। साथियों इसमें बहुत बड़ा, और आप लोग हैं बड़े क्योंकि आप उनके साथ जुड़ सकते हैं, उनकी भाषा में बात कर सकते हैं। साथियों अगले कुछ दिनों में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आज का ये इवेंट इसके लिए है, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि हो सका तो नेक्स्ट शिवरात्रि पर भी, या तो डेट कोई और हो सकती है, ऐसा कार्यक्रम मैं ही करूंगा। लेकिन मैं लोकसभा चुनाव का विषय उस अर्थ में नहीं लाया हूं क्योंकि मुझे भरोसा है मुझसे ज्यादा मेरे लिए आप मरते हैं। और आप मेरे लिए इसलिए मरते हैं क्योंकि मैं आपके लिए जीता हूं, और जो अपने लिए नहीं जीता है उसके लिए मरने वाले बहुत होते हैं जी। वो मोदी की गारंटी नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की गारंटी है। ये बात सही है, ये मेरा परिवार है। साथियों मैं जो लोकसभा चुनाव की बात कर रहा था, और एक क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारे यूथ और खास करके हमारे फर्स्ट टाइम वोटर, उनको हम जागरूक करने के लिए क्या कर सकते हैं, और उसको पता हो कि वोट देना यानी किसी को जिताना हराने का काम नहीं है जी। वोट देने का मतलब है तुम इतने बड़े देश की निर्णय प्रक्रिया के हिस्सेदार बने हो, तुम देश का भविष्य बनाने वाले एक महत्वपूर्ण पार्टनर हो, ये उस तक पहुंचना जरूरी है जी। उसको कभी ये मत कहिए किसको वोट दो, लेकिन आप उसको तो जरूर कहिए कि वोट तो देना ही चाहिए।
वो तय करेगा किसको देना किसको नहीं देना, वो तय करेगा। लेकिन वोट देना चाहिए ये उसको जरूर कहना चाहिए। और मैं मानता हूं हमारे देश में, दुनिया के देश जहां जैसे जैसे समृद्धि बढ़ती गई, वोटिंग पैटर्न घटती गई। दुनिया में देश समृद्ध हुए लेकिन अलग अलग व्यवस्थाओं ने समृद्धि तक ले गए और बाद में लोकतंत्र की दिशा में गए। भारत शत प्रतिशत लोकतंत्र के ही अधिष्ठान को लेकर के समृद्ध राष्ट्र बनने के सपने को लेकर के चला है और दुनिया के लिए मॉडल बनने वाला है जी, ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा मॉडल बनने वाला है। लेकिन उसमें मुझे मेरे देश के नौजवानों की भागीदारी चाहिए। 18, 19, 20, 21 साल के बच्चे साथियों, हम अपने आसपास देखते हैं कि जो दिव्यांगजन होते हैं, स्पेशली एबल्ड होते हैं, उसमें बहुत प्रतिभा होती है, टैलेंट होता है। आप उनके लिए भी एक बड़ा माध्यम बन सकते हैं, उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे दिव्यांगजनों में जो इनहेरेंट ताकत होती है उसे बाहर लाने की आवश्यकता है, उसे भी सोशल मीडिया की शक्ति से जोड़ने की जरूरत है।